गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो टुडे आई विल डील न्यू टॉपिक कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर. सो फर्स्टली आई विल डील इंट्रोडक्शन. केयर इज ए सेक्युलर नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ ए सेक्युलर एंड नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स ये सेक्युलर और नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, और ये नॉन प्रॉफिट, इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉफिट नहीं होता, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है. इट वॉज इस्टाब्लिश्ड ऑन 1946 बाय नॉर्थ अमेरिकन डोनर्स फॉर फंडिंग फूड्स टूवर्ड्स फास्टेड हेल्प ऑन पुअर पीपल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज एट एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार. इट वॉज इस्टाब्लिश्ड ऑन 1946 बाय नॉर्थ अमेरिकन. ये इस्टाब्लिश्ड हुआ था 1946 में बाय किसके द्वारा, नॉर्थ अमेरिकन के द्वारा. और इसमें क्या करते हैं, जो डोनर्स होते हैं फूड प्रोवाइड करते हैं, फास्टेड किसको, बहुत जल्दी फूड देते हैं पुअर पीपल्स को, लाइक यूरोपियन कंट्रीज में हम लोग देते हैं फूड्स. एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तो यूरोपियन कंट्रीज के पुअर पीपल को ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही जल्दी फूड प्रोवाइड किया था. तो इंट्रोडक्शन ये बता रहा है कि ये एक सेक्युलर नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. इसके साथ साथ ही 1946 में इस्टाब्लिश्ड हुआ था. अमेरिकन जो डोनर्स है, अमेरिकन डोनर क्या करते हैं, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार में यूरोपियन कंट्रीज़ के पीपल जो अफेक्ट हुए थे, पुअर पीपल्स, उनको ये फूड प्रोवाइड किया था. द नेक्स्ट इज आफ्टर सेकेंड एंड ऑफ द वार केयर स्प्रेड इट्स एक्टिविटी हेल्प अदर कंट्रीज. जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कि इसकी जो एक्टिविटीज़ है, फूड प्रोवाइड करने की एक्टिविटीज़ है, ये अदर कंट्रीज़ में भी स्प्रेड होने लगा. इट ऑल्सो केयरिंग आउट प्रोग्राम इन इंडिया सिंस 1950. और ये इंडिया में कब देखा गया, इस प्रोग्राम को कब स्टार्ट किए, 1950 में ये प्रोग्राम इंडिया में अप्लाई हुआ. सिंस 1971 केयर इज हेल्प टू द स्कूल एंड प्रोवाइडिंग मिड डे मील स्कीम. जब 1971 आया तो प्राइमरी हेल्थ स्कूल के बच्चों को ये जो केयर प्रोग्राम है, ये केयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रोवाइड होने लग गया. किस नाम से, मिड डे मील स्कीम के नाम से स्कूल बच्चों को ये प्रोग्राम हेल्प करता था उनके फूड में, उनके खाने की एक्टिविटीज़ में. इट आल्सो एक्सटेंड कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एजुकेशन एग्रीकल्चर लिटरेचर प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग. और एक जो केयर है इसके साथ साथ ये कहाँ पे कोऑपरेशन फील्ड में काम करने लगा, हेल्थ में काम करने लगा, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, लिटरेचर में, प्रोफेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग में भी ये हेल्प करने लगा. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार आया, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये जो एक्टिविटीज़ है अदर कंट्रीज़ में भी यूज़ होने लगा. सबसे पहले तो ये यूरोपियन कंट्री में यूज़ हुआ था, उसके साथ साथ ये अदर कंट्रीज़ में भी काम आने लगा. और ये 1950 में हमारे इंडिया में हेल्प किया, हमारे इंडिया में इस चीज़ का प्रोग्राम लॉन्च हुआ. सिंस 1971 पे क्या हुआ, ये प्रोग्राम मिड डे मील प्रोग्राम के नाम से स्कूल में भी अप्लाई होने लगा. इसके साथ साथ ये कोऑपरेशन के साथ वर्क करता था, और किस किस फील्ड में वर्क किया, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर लिटरेचर प्रोफेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग में भी ये हेल्प करने लगा. देन द नेक्स्ट केयर इंडिया वर्क इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एंड एनजीओ. और जो केयर है उसमें जो इंट्रोडक्शन में बताइए, नॉन गवर्नमेंट है. जब इंडिया में आया तब ये गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में वर्क करने लगा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ और एनजीओ के साथ. एनजीओ भी एक ऐसा कंपनी होता है जो कुछ समय के लिए चलाते हैं लोगों के बेनिफिट्स के लिए. करेंटली केयर सपोर्ट इन द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इन इंडिया. और केयर कुछ कुछ चीज में सपोर्ट करता था, लाइक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ प्रोजेक्ट. न्यूट्रिशनल और हेल्थ प्रोजेक्ट में ये हेल्प करता था, बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रोजेक्ट में हेल्प किया, एनीमिया कंट्रोल प्रोजेक्ट में हेल्प किया, इम्प्रूव वुमेन हेल्थ स्टेटस या हेल्थ प्रोजेक्ट.
हर चीज़ में ये इंडिया में ये केयर यूज़ होने लगा और ये हेल्प करता था, लाइक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम, बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रोजेक्ट, एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम एंड इम्प्रूविंग वुमेन हेल्थ स्टेटस। इन चार चीज़ों में केयर हमारे इंडिया में वर्क करने लगा। द नेक्स्ट मिशन ऑफ केयर, टू सेव लाइफ, डिफीट प्रायोरिटी एंड अचीव सोशल जस्टिस। हम लोग का केयर में मेन उद्देश्य क्या था ये देखते हैं। तो पहले क्या था, सेव लाइफ, हमारे लाइफ को सेफ रखना, हमारा हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना, न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना, कोई डिजीज कंडीशन सफ़र ना करे, ऐसे अपने हेल्थ को बनाना और कोई डिफेक्ट ना हो, और हम लोग क्या इस अचीव करें, सोशल जस्टिस को अचीव करें, ये हमारा मिशन था। केयर प्लान प्लेस वुमेन एंड गर्ल्स एज द केयर विद सर्विस बिकॉज द बिलीव दैट द ओवरकम पुअर्टी ऑल पीपल शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। केयर क्या किया, वुमेन्स और गर्ल्स को ये सर्विस प्रोवाइड करते थे। केयर में वुमेन्स और गर्ल्स को स्पेशली ये सर्विस प्रोवाइड करते थे। इसके साथ साथ क्या हुआ, जो पुअर पीपल है, जो केयर है, इक्वल राइट्स के साथ अप्लाई हुआ गर्ल्स में भी और वुमेन्स में भी। ऐसा नहीं कि गर्ल्स हैं छोटे हैं तो उनको कम मिला जाए और वुमेन्स बड़े हैं तो वुमेन्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाए, ऐसा नहीं। केयर इक्वली यूज़ हुआ किस में, पुअर गर्ल्स में, और वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया। द नेक्स्ट सर्विस इन इंडिया, अब देखते हैं जो केयर की सर्विस है वो इंडिया में क्या क्या काम कर रही है। केयर वॉज ऑपरेशनल सिंस 1950 इन इंडिया। पहले भी बताई कि जो केयर है 1950 में इंडिया में अप्लाई हुआ। अंटिल 1980 द प्राइमरी फोकस ऑफ केयर इन इंडिया वॉज प्रोवाइडिंग फूड ऑफ चिल्ड्रन टू 6 to 11 ईयर्स। जब 1980 आया तब प्राइमरी फोकस, पहला फोकस किस में किए, केयर में। केयर का जो पहला फोकस था चिल्ड्रन में था कि 6 to 11 ईयर के बच्चों को फूड प्रोवाइड किया जाए 1980 तक। इट स्टार्टेड टू सपोर्ट ICDS प्रोजेक्ट एंड शो इंटरेस्ट इन डेवलपिंग हेल्थ प्रोग्राम एंड इनकम सप्लीमेंट्री स्कीम। और उसके बाद क्या हुआ, ये ICDS प्रोग्राम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, ये एक प्रोग्राम है जो बच्चों में चलाया जाता है। ये प्रोग्राम में इंटरेस्ट के साथ डेवलपमेंट हुआ हेल्थ प्रोग्राम और बच्चों में सप्लीमेंट्री फूड सप्लीमेंट्री प्रोवाइड किया गया, ये स्कीम लॉन्च किया गया। इंडिया वॉज प्रोवाइडिंग फूड ऑफ चिल्ड्रन 6 to 11 ईयर इंटरेस्टेड टू डेवलपिंग हेल्थ प्रोग्राम इनकम सप्लीमेंट्री स्कीम, और 6 to 11 ईयर में ये प्रोग्राम यूज हुआ। द नेक्स्ट केयर ऑफ प्रोवाइड फूड फॉर चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 6 to 11 ईयर। केयर क्या हुआ, केयर जो प्रोग्राम है वो चिल्ड्रन में 6 to 11 ईयर के बच्चों में अप्लाई हुआ। केयर इज इंडिया फोकस टू फूड सपोर्ट ICDS प्रोग्राम एंड द डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। ICDS प्रोग्राम में ये बहुत हेल्प किया, इसका फोकस मतलब ये केयर जो प्रोग्राम था उसका फोकस था कि ICDS प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा बनाया जाए चिल्ड्रन के लिए। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ, इसके साथ साथ ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल और हेल्थ को भी इम्प्रूव करने के लिए ये फोकस करके वर्क करने लगा। इसमें भी केयर बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रोजेक्ट, बेटर हेल्थ हो, सबका हेल्थ बेटर हो और न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा हो, इस चीज़ में भी केयर वर्क किया। देन एनेमिया कंट्रोल प्रोग्राम, एनेमी कंट्रोल प्रोग्राम भी चलाया ताकि कोई भी पर्सन एनेमिया से सफ़र ना करे। इम्प्रूविंग वुमेन हेल्थ स्टेटस, और इसके साथ साथ वुमेन्स का हेल्थ स्टेटस को भी इम्प्रूव करने में ये जो केयर है वर्क करने लगा। द नेक्स्ट इम्प्रूव हेल्थ केयर फॉर एडोलसेंस गर्ल प्रोजेक्ट, और क्या हुआ, इसके साथ साथ एडोलसेंस गर्ल्स है जो बढ़ते हुए एज की जो लड़कियां हैं उनके भी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने में केयर बहुत ही हेल्प किया, और उसमें उनके हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने में ये प्रोजेक्ट काम किया। द नेक्स्ट चाइल्ड सर्विस प्रोजेक्ट, चाइल्ड को हर टाइप से सर्विस मिले, जैसे कि न्यूट्रिशनल सर्विस मिले, फूड सप्लीमेंट्री मिले, एजुकेशनल भी, ये सब चीज़ में ये हेल्प किया। इम्प्रूविंग वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली स्पेसिंग प्रोजेक्ट, और वुमेन्स को रिप्रोडक्शन हेल्थ से रिलेटेड वर्क करने लगा ताकि उनको फैमिली प्लानिंग अच्छा हो,
और उनको एजुकेशन दिया, इसके साथ साथ फैमिली स्पेसिंग प्रोजेक्ट भी चलाया, जैसे कि लाइक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करने में फैमिली मेम्बर्स को, वुमेंस को, उसमें भी ये बहुत हेल्प किया। ये किस किस चीज़ में हेल्प किया? इंटीग्रेटेड हेल्थ में हेल्प किया, न्यूट्रिशनल में हेल्प किया, उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन में हेल्प किया, फिर इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, एडोलसेंस गर्ल के हेल्थ को चेंज करने में हेल्प किया, चाइल्ड सर्वाइवर को हेल्प किया, ये सब चीज़ों में किया, हेल्प किया। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स।